नमस्ते। पिछले बार हमने प्रार्थना के बारे में सीखा और कैसे अपना हाथ उसमें बड़ा भाग है। इस बार हम बाइबल में से एक कहानी लेंगे। ये कहानी यूत्रा 6:9-11 में है। ये कहानी यीशु मसीह का है, जहाँ पे यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहे थे। जब वो प्रचार कर रहे थे, काफ़ी समय बीत गया और लोगों को बहुत भूख लगी थी। तभी यीशु मसीह ने पूछा, क्या किसके पास खाना है? बट लोगों ने फिर बोला, खाना इधर तो कुछ नहीं है, ना ही कोई दुकान है, ना ही कोई खेत है। तो उसमें से एक छोटा लड़का आया और उन्हें बोला कि परमेश्वर, मेरे पास 2 मछलियाँ और 5 रोटी हैं। परमेश्वर ने वो लिया और उसके ऊपर धन्यवाद देके प्रार्थना किया। तब जाके वो लड़के ने जो हाथों से दिया और परमेश्वर ने उसे जब अर्पण किया परमेश्वर के सामने, वो रोटी सबको बांटा, 5,000 से ज़्यादा लोगों को बांटा। फिर भी वो सब पेट भर के खाना खाने के बावजूद भी 12 टोकरियाँ बच गए। इसी तरह हमारा हाथ भी किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम भी किसी को कुछ आशीष दे सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं, किसको हम अच्छे से हक कर सकते हैं या कुछ अच्छी बातें भी कह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं अपने हाथों से। यही हाथ के बारे में हम आज बात करना चाहते हैं इस चित्र के द्वारा। ये चित्र हम बनाएंगे और ये कैसे बनाएंगे हम सीखेंगे और क्यों बनाएंगे ये भी सीखेंगे, क्योंकि हमारे हाथ से हम आशीष भी दे सकते हैं परंतु हम हमारे हाथों से किसको बुरा भी कर सकते हैं। तो हम कौन सा हाथ बनना चाहिए और कौन सा पेड़ बनना चाहिए, ये हम इस ड्राइंग से सीखेंगे। इस क्राफ्ट के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एक वाइट पेपर चाहिए, पेंट कलर्स, वो झाड़ बनाने के लिए हमें ब्राउन कलर की सख्त ज़रूरत है, कॉटन स्वाब्स की ज़रूरत है और एक नहीं कुछ ज़्यादा ही रखिए ताकि आप अलग अलग पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और एक प्लेट जहाँ पे आप ये पेंट को डाल सकते हैं और उसे कॉटन स्वाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो है ये ब्राउन कलर लेना है और अपना हाथ का छापा ये पेपर के ऊपर बनाना है, जैसे हमने पिछले बार भी सीखा था। वो हाथ को लेके हम अपना झाड़ बनाएंगे। झाड़ बनाने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपका हाथ एक झाड़ की तरह बनेगा उसे आपको ब्राउन कलर से पूरा कलर करना है। जब आप ये ब्राउन कलर सब कलर करेंगे तो आपको आपका पेंट ये प्लेट में निचोड़ के रखना है और एक एक पेंट के लिए एक एक कॉटन स्वाब इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने इधर रखा है। जब आप ये करेंगे तो आपके अलग अलग प्रकार के कलर जो है वो लीजिए और आपके हाथों के वो बाजू में एक ट्री का डिज़ाइन बनाइए और वो अलग अलग कलर इस्तेमाल करके वो डिज़ाइन को आप कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने इधर किया, आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट ग्रीन इस्तेमाल किया, डार्क ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर डार्क ग्रीन, फिर ग्रीन, और इसी कलर को आप फिल कीजिए पूरे तरीके से। जो भी कलर आपने इस्तेमाल किया उसी से फिल कीजिए। फिल करने के बाद आपको एक ऐसा चित्र और कलर मिलेगा। तो जैसे आपने देखा कि ये अपना फाइनल पिक्चर है, इसी से हमारा यह विषय है कि आप ये सीख पाए कि हमारा हाथ किसी और के लिए आशीष बन सकता है और अगर हम किसी और के लिए आशीष बनेंगे तो हमारा पेड़ ऐसे दिखेगा। ये पेड़ अपना जीवन है। अगर हम किसको खुशियाँ देंगे तो वो खुशियाँ हमें वापस लौट आएगी, या हम किसको कोई अच्छा चीज़ दे या मदद दे तो वही हमें वापस आएगी। परंतु अगर सोचो कि ये पेड़ में अगर मैंने मेरे हाथों से गलत काम दिया किसको, तो मेरा पेड़ पूरा काला अधूरा रहेगा। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि इससे आपने ये सीखा कि अपने हाथों से हम क्या कुछ नहीं कर सकते और अगर हमने अच्छा मार्ग इस्तेमाल किया और अपने हाथों से अच्छा किसको आशीष दिया तो हमारा भी जीवन, हमारा भी पेड़ ऐसे हमारे हाथों से रंग बिरंग हो सकता है। तो मैं आपको अगले बार मिलूँगी।